एन टी आई यूज यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पर ढेर आसानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर दोस्तों आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना इसके अंदर हम सभी डोमेन की बात करने वाले हैं और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को छः भागों में डिवाइड किया है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टेन यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं इस तरीके से सभी टेन यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी टेन यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों हमने पहले की वीडियो में शिक्षण उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अब देखिए बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी ने इसके बारे में क्या कहा था शिक्षण उद्देश्यों के बारे में इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी इसको डिवाइड करने की कोशिश की थी कि हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अब देखिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है यानी कि जो बी ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो किससे संबंधित है शिक्षण उद्देश्यों को डिवाइड करने से संबंधित है और यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे और ये कब रखा गया था ब्लूम टेक्सोनॉमी उन्नीस में बनाया गया था और इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों इनका उद्देश्य क्या था टेक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता डिवाइड करना वर्गीकृत करना अंत ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों सत्तर के वर्गीकरण का एक प्रयास है अब देखिए यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आ सके लेकिन हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि टेक्सोनॉमी ने क्या किया था शिक्षण जो उद्देश्य है उसको तीन भागों में बांटने की कोशिश की थी इन्होंने क्या किया था कि इनका वर्गीकरण तीन भागों में किया शिक्षा का जो वर्गीकरण है उसको तीन भागों में डिवाइड किया कोग्नेटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन अब देखिए अब ये तीनों डोमेन के डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था शिक्षा को अब सबसे पहला जो चीज़ आती है सबसे पहली जो डोमेन आती है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन आती है इसके अंदर इन्होंने क्या कहा क्या कहा था ज्ञान यह मुख्य रूप से किसी भी चीज़ या बात को याद रखने से संबंधित होता है अब देखिए हमारी जो शिक्षा है वो तीन तरह से डिवाइड किए इन्होंने सबसे पहली जो है वो ज्ञान क्षेत्र यानी कि जो भी शिक्षा होती है सबसे पहले हम शिक्षा से क्या करते हैं हम नॉलेज लेते हैं ज्ञान अपने ज्ञान को इनक्रीज करते हैं और उसके बाद में बौद्ध इस लेवल पे व्यक्ति किसी भी बात अर्थ समझने की कोशिश करता है ठीक है और उसके बाद में प्रयोग यह लेवल किसी भी ज्ञान को मूर्त रूप यानी कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की कोशिश करता है इसके अंदर और फिर आता है विश्लेषण यहाँ पे व्यक्ति अपने ज्ञान का विश्लेषण करता है यानी कि एक एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करता है उसको उसका यानी कि पूरा एनालिसिस करता है उस बात का और आगे आता संश्लेषण अब संश्लेषण में क्या होता है इस सत्र पे व्यक्ति अपनी सभी बातों और ज्ञान को इकट्ठा करके अपनी एक राय या विचार बनाने की कोशिश करता है इसका हम विश्लेषण के विपरीत भी समझ सकते हैं यानी कि उसने जो भी नॉलेज इकट्ठी की है उसके हर एक पॉइंट को जोड़ता है और वो कुछ राय विचारधारा बनाने की कोशिश करता है फिर आता है मूल्यांकन इस सत्र पे व्यक्ति अपने ज्ञान और तौर तो, तरीकों का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है अब देखिए यहाँ पे जो पहली जो डोमेन है उसके अंदर क्या है कि वो ज्ञान यानी कि ज्ञान हासिल करता है और ज्ञान के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है किस किस तरह से वो ज्ञान हासिल करता है तो वो यहाँ पे सभी दी हुई है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक क्षेत्र इसके अंदर क्या होता है ये देखिए आग्रहण सबसे पहले रिसीविंग इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है अब देखिए क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे बैठे होते हैं तो उसके अंदर से ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी बच्चे ध्यान से सुने ठीक है और हो सकता है कोई खेल रहा हो और कोई बच्चा पूरे ध्यान से उस लेसन को सुन रहा हो टीचर को सुन रहा हो तो इसके अंदर क्या होता है भावात्मक क्षेत्र इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है फीलिंग रखता है और फिर है अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो ज्ञान व्यक्ति ने पाया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है ठीक है अब जैसे हमने पहले बात की थी ज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान वो हासिल करता है और यहाँ पे क्या करता है कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है उसको रिस्पॉन्स करता है जैसे टीचर ने कुछ बात कही है तो उसके मन में कोई सवाल आया तो वो जवाब सवाल पूछेगा उनसे क्वेश्चन करेगा यानी कि उनको रिस्पॉन्ड करेगा उसके बाद आता है अनुमूल्यन वैल्यूइंग इसके अंदर व्यक्ति देखता है कि जो ज्ञान उसने पाया है वो कितना लाभदायक है कि उसके जीवन में क्या महत्व है यानी कि उसका उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता है उसके बाद आता है प्रतिकरण कॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी कि उसको अपने कॉन्सेप्चुलाइजेशन का अब इसका सही से मीनिंग मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है प्रत्येकरण का मतलब ही भी, भी कुछ कुछ ऐसा होता है कि उसको यूज़ करने की कोशिश करता है और फिर एक गठन व्यवस्थापना यानी कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है और जो उसने यहाँ परख के देखा है उसका मूल्यांकन किया है उसको उसकी वैल्यू निकाल के देखी है तो उसका वो क्या करता है कि गठन करता है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है फिर चरित्र निर्माण अब ये भी वही बात आ गई कि जो ज्ञान उसने हासिल किया उससे उसका चरित्र निर्माण होगा वैसा ही उसका व्यवहार बनेगा

इसको मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र मनोप्रेरक नामों से भी जाना जाता है अब ये देखिए हिंदी में ऐसे ऐसे नाम होते जो हमें कंफ्यूज कर सकते तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना ज़रूरी है ऐट लिस्ट आपको इंग्लिश में तो पता होना ही होना चाहिए अब देखिए अगर मान के चलो पेपर के अंदर ये नाम आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे पता नहीं ये क्या कौन सी डोमेन है तो आपको इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है उद्वीपन इम्प्लू इम्प्ल्यूएसन इसमें किसी व्यक्ति के कौशल को देख कर अपने आप में डालने का प्रयास किया जाता है ठीक है यानी कि किसी को देख के प्रेरित होना तो और उससे प्रेरित होके अपने अंदर चेंज लेके आना अपने अंदर वो चीज़ सीखने की कोशिश करना कार्य करना हस्त कौशल यानी किसी उपकरण या मशीन के द्वारा प्रयोग कर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना उसके बाद आता है परिशुद्धता इसके अंदर क्या होता है इसमें जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो महानता हासिल कर लेता है और फिर है स्पष्ट अभिव्यक्ति यह भी व्यक्ति के निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है यानी कि जब वो कोई बात बार 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 सुनेगा करेगा तो उसके बारे में एक उसकी स्पष्ट राय बन जाएगी भी ये काम करने से ये होता है ठीक है और फिर आता है नेचुरलाइजेशन इसमें काफ़ी तरह की बातें आती है जैसे कि व्यक्ति अपने कौशल को अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है अपने काम में सुधार करता है नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है ठीक है तो यानी कि ये जो हमारी तीन तरह की चीज़ें थी तीन डोमेन थी तो शायद मेरे को लगता है कि आप अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और मैंने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको फिर भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे हम देखते हैं दोस्तों एक और हमारी चीज़ बचती है इनके अलावा एंडरसन और करतवल ने एक और विशेष आयाम का जिक्र किया है मेटाकोगनेटिव अब देखिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसमें से पहले करीब दो दो बार क्वेश्चन आ चुके अब की बार भी आने की संभावना है किसी भी शिफ्ट में आ सकता है इसमें देखिए इसको अंडरसन ने ज्ञान का ज्ञान कह के संबोधित किया है यानी कि हम ज्ञान को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेटाकॉग्नेटिव कहते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना इसमें से क्वेश्चन आ सकता है अब अगला आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण के सतर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग अब देखिए मुख्य रूप से लेवल ऑफ टीचिंग तीन तरह के होते हैं मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहला आता है हमारे पास स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी लेवल यह शिक्षण अधिगम का सबसे पहला चरण है इसके बारे में सबसे पहले हर्बर्ट ने बताया था ये हमारा कौन सा सबसे पहला लेवल है ये आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसे कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना है कंठस्थ मतलब यानी कि उसे याद करने के लिए प्रेरित करता है मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर विशेष रूप से लिखित मौखिक और निबंध प्रश्नों को शामिल किया जाता है और फिर आता है स्मृति स्तर मेमोरी लेवल के अंदर इसके मुख्य लक्षण क्या है कि मुख्य लक्षण ये है कि इस दौरान बच्चे में कुछ भी सीखने की तीव्रता होती है और जो उसने सीखा है उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है ज़रूरी बातों को बार बार दोहराता इत्यादि शामिल होता है मेमोरी लेवल यानी कि जिसके अंदर हम अपने मेमोरी का यूज़ करें उसको याद करने की कोशिश करें उसे लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करें तो वो होता है मेमोरी लेवल और इसमें और भी काफ़ी तरह की जैसे ये बात मैंने बताई है आप थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि इन्हीं में से जो एग्जामिनर है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है अब आगे देखते दोस्तों आगे आता है हमारे पास ग्रहण यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समझ वाला लेवल इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है इसके बारे में सबसे पहले मोरिसन ने बताया था ठीक है यानी कि बच्चा जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा जो उसने ज्ञान हासिल किया है उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है बच्चा किसी भी चीज़ या ज्ञान के सिद्धांत परिभाषा अवधारणा इत्यादि को सामान्य रूप से समझने की कोशिश करता है जैसे जहाज़ कैसे उड़ता है प्रधानमंत्री कौन होता है और कैसे बनता है इत्यादि यानी कि यहाँ पे क्या होता है बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है उसके अंदर काफ़ी तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में किसी भी ज्ञान को अच्छे से आत्मसात यानी कि ज्ञान को अच्छे से समझने की क्षमता विकसित करता है अब देखिए बच्चा जब बार बार क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर जिज्ञासा होगी तो उसकी जो समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी उसका जो समझने का सत्र है वो बढ़ता जाएगा अब देखिए आगे क्या होता है कि मूल्यांकन प्रणाली में विशेष रूप से छोटे पर्सन वस्तुनिष्ठ पर्सन और निबंध प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं ठीक है और आगे देखते आगे जो हमारा लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि विमर्श चिंतन सत्र यानी कि जहाँ पे हम जो हमने ज्ञान हासिल किया है जो समझा है उसको समझने की कोशिश करते हैं उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है इसको शिक्षण का उच्चतम सत्र माना जाता है इसके बारे में हंट ने बताया था अब देखिए ये तीनों जो सत्र है इनके बारे में अलग अलग जो थिंकर हैं उन्होंने बताया था ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और चिंतन सतर मुख्य रूप से स्मृति सतर और अवबोधन सतर पर निर्भर करता है अब देखिए ये जो चिंतन सतर है रिफ्लेक्टिव लेवल ये हमारा कहाँ पे निर्भर करेगा ये हमारे सबसे पहले ए, मेमोरी लेवल पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना ग्रहण किया है उसे कितना ग्रहण किया है और उसके बाद में अवबोधन सतर यानी कि उसको उसको हमने कितना समझने की कोशिश की है उसको कितना हमने अंडरस्टैंड किया है इस स्तर पर शिक्षण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इस स्तर पर बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके और उसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर निबंध प्रश्नों के साथ साथ विचार भागीदारी और मनोवृत्ति को भी शामिल किया जाता है ठीक है यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है कि जो हमने ज्ञान हासिल किए हैं जो प्रयोग किए हैं जो भी हमने किया वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं यानी कि अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये हमारे जो मुख्य रूप से तीन लेवल ऑफ टीचिंग थे और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कोई बात समझ में ना आई हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें थैंक यू दोस्तों